आवर्त सारणी में हमने 118 तत्वों को देखा है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक तत्व की एक अलग उपयोगिता है, अलग महत्व है। आज हम कुछ ऐसे विशेष तत्वों के वर्ग के बारे में जानेंगे जिनका जैविक तंत्र में एवं दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम आयन हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, हमारे जैविक तंत्र का एक बहुत ही मुख्य एक तत्व माना जाता है। सोडियम आयन रक्त प्लाज्मा का मुख्य अवयव होता है, जबकि पोटेशियम आयन कोशिका के कोशिका द्रव्य का एक मुख्य धनायन होता है। हमारे शरीर में सोडियम एवं पोटेशियम का जो स्तर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसके स्तर की गड़बड़ी से पूरा जो जैविक तंत्र है वह डिस्टर्ब हो सकता है। ये सोडियम पोटेशियम आयन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, मस्तिष्क की क्रियाओं को, न्यूरॉन्स की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कोशिका झिल्ली में जो जल प्रवाह का नियंत्रण है वो भी इन आयनों के द्वारा होता है, हृदय का जो स्पंदन है वह भी इन आयनों से नियंत्रित होता है। कोशिकाओं में एमिनो अम्ल एवं शर्करा के परिवहन में सोडियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार जो पोटेशियम आयन है वो एंजाइम को प्रेरित करने में, साथ ही साथ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी के संश्लेषण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण एवं तंत्रिकीय आवेशों के संचरण में सोडियम आयनों का बहुत अधिक योगदान होता है। इसी प्रकार हार्मोन की क्रियाओं को नियंत्रित करने में कैल्शियम आयन जो है वो संदेश वाहक का कार्य करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम हमारे शरीर का जो 99% भाग कैल्शियम का है वो हड्डियों में एवं दांतों में होता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये तंत्रिका रेशो द्वारा जो संवेदनाओं का संचरण होता है उसके लिए ये सहायक होते हैं। इसमें से कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें से हम सीमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो इमारतें होती हैं, पुल है, बांध है, इन सबको बनाने में सीमेंट बहुत अधिक मुख्य भूमिका निभाता है। सीमेंट के निर्माण में सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। सीमेंट के निर्माण में जो कच्चा पदार्थ होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक मुख्य भूमिका होती है। सीमेंट कई सारे जो कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, कैल्शियम डाईसिलिकेट, ट्राईसिलिकेट, इन सब का मिश्रण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग संगमरमर के रूप में इमारतों के भवनों के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम चूने का पानी कहते हैं तो सफ़ेदी के लिए विभिन्न प्रकार से जो चूना लेप होता है जिसे मोर्टार भी कहते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ये रोगाणुनाशी होते हैं तो पेंट या जो सफ़ेदी की जाती है बिल्डिंग में उसमें भी इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में सहायक होते हैं जो कि कैल्शियम का ही एक यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्तियों को बनाने में, सांचों को बनाने में किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर तत्वों का एक विशेष वर्ग है जिसका अध्ययन हमें करना है, और इन सभी तत्वों का हमारे जैविक तंत्र में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम इसी प्रकार के तत्वों की एक विशेष श्रेणी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। पूरे आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं इन्हें चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। और यह जो वर्गीकरण है यह निर्भर करता है इन सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये जो तत्वों की एक विशेष श्रेणी जिसकी चर्चा हमने की, इन तत्वों को चूंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस उपकोष में प्रवेश करता है। एस उपकोष में हम ये जानते हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो होती है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को
यदि हम NS1 के रूप में देखेंगे तो वो प्रथम वर्ग होगा, यानी क्षारीय धातुएं जिसे कहते हैं एल्केली मेटल्स। इसी प्रकार यदि NS में दो इलेक्ट्रॉन है तो यह क्षारीय मृदा धातु या द्वितीय वर्ग कहलाएगा। तो S ब्लॉक तत्व में मुख्य रूप से दो वर्ग ही होते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए, या प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग, जिसे क्षारीय धातु एल्केली मेटल्स एवं क्षारीय मृदा धातुएं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। इस पूरे अध्याय में हम मुख्य रूप से क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातु एवं उनके जो यौगिक हैं उनके मुख्य मुख्य गुणों के बारे में जानेंगे। इस परिवार के जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु में कैल्शियम एवं सोडियम के विभिन्न जो यौगिक हैं उनका निर्माण, उनके गुण, उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनका जैविक तंत्र में कितना इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम इस पूरे अध्याय में सीखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं एल्केली मेटल्स या क्षार धातुएं। क्षार धातुओं का जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NS1 होता है, अर्थात उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह S उपकोश में प्रवेश करता है। तो वैसे तो आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग है वह हाइड्रोजन से प्रारंभ होता है, लेकिन क्षार धातुओं में हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सभी यहाँ पर धातुएं होती हैं जबकि हाइड्रोजन अधातु होता है। भले ही उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोश में प्रवेश करता है लेकिन हाइड्रोजन एक विशिष्ट गुण वाला तत्व होता है जिसका स्थान आज भी आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। जब हम क्षारीय धातु की बात करेंगे तो यह लिथियम से प्रारंभ करेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। तो यहाँ पर जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ये सभी क्षारीय धातुएं हैं, और इनके क्षारीय धातु या इन्हें क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है इसका कारण ये है कि जब ये जल से क्रिया करते हैं तो विभिन्न प्रकार के क्षारीय ऑक्साइड या क्षारीय हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा समूह है जिसे क्षारीय मृदा धातु या एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इसमें बेरिलियम से ये प्रारंभ होता है, लेकिन बेरिलियम के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं मैग्नीशियम से रेडियम तक ये सभी यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु कहे जाते हैं। तो बेरिलियम से जब ये प्रारंभ होता है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, तो इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो क्षारीय धातुएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं या जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके जो ऑक्साइड है वो भूपरपटी या अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु या एल्केलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु दोनों ही हल्के तत्व होते हैं, इनका घनत्व कम होता है, तो इन्हें हल्के तत्व या हल्की धातुएं भी कहा जाता है। क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं, इसमें जो प्रथम तत्व होता है यानी इन वर्गों का जो प्रारंभ है वो लिथियम और बेरिलियम से होता है, तो ये जो प्रथम तत्व होते हैं वो बाकी सभी तत्वों से कुछ असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। तो इनके असामान्य व्यवहार दर्शाने का जो मुख्य कारण है वह है इनका अति सूक्ष्म आकार, इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होगा, इनकी ऋण विद्युता का मान भी बहुत अधिक होता है, इनकी ध्रुवण शक्ति भी बहुत अधिक होती है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, इनकी आयनिक त्रिज्या बहुत ही कम होती है, इनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो ये कुछ विशेष गुण होते हैं प्रथम तत्व में जो इन्हें बाकी तत्वों से कुछ भिन्न गुण वाले बनाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसमें जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं वे अपने अगले ही वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है।
तो इस प्रकार ये जो समानता रखते हैं अर्थात द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं वे अपने अगले ही वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ जो गुणों में समानता रखते हैं, इस प्रकार के जो गुण हैं इसे विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये विकर्ण संबंध का कारण क्या है? विकर्ण संबंध का कारण ये है कि चूँकि ये दोनों तत्व की जो ऋण विद्युता है वो भी समान होती है, इनका जो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का समान होना, इनमें विद्युत धनात्मक लक्षण का समान होना, इनमें समान ध्रुवण क्षमता का होना, साथ ही इसमें जो आवेश एवं त्रिज्या अनुपात का जो अनुपात होता है वो भी समान होता है, ये कुछ विशेष लक्षण हैं जिनके कारण ये जो दो तत्व हैं या दूसरे आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ किस प्रकार से विकर्ण संबंध दर्शाता है उसका ये मुख्य मुख्य कारण है। अब हम प्रारंभ करेंगे क्षार धातुएं या एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। यदि हम पूरे तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और इसे अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के साथ कुछ रिप्लेस करते हुए चलेंगे तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा प्रत्येक तत्व का वो हम जानेंगे। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है 3, तो हीलियम से रिप्लेस करेंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो बाह्यतम कोश में 2s1 हीलियम एवं 2s1। इसी तरह से सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, तो बाह्यतम कोश को हम नियॉन से रिप्लेस कर रहे हैं अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन का हो गया और 3s1 बाह्यतम कोश के लिए 3s1। पोटेशियम के साथ यहाँ आर्गन को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि पोटेशियम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन को आर्गन से रिप्लेस कर लेते हैं और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1। इसी प्रकार रुबीडियम 37 होता है, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन को हम क्रिप्टॉन से रिप्लेस कर लेते हैं और बाह्यतम कोश हो जाएगा 5s1। इसी प्रकार सीजियम का परमाणु क्रमांक है 55, जिसमें से हम ज़ेनॉन को रिप्लेस करेंगे 54 इलेक्ट्रॉन के लिए, ज़ेनॉन लिखेंगे और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 6s1। फ्रेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 87 होता है, इसमें 86 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम रेडॉन लिखेंगे, रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 होता है और बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा 7s1। तो ये सभी तत्व जो हैं जिनके बाह्यतम कोश में हम देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और एक संयोजी धनायन यानी M+ बनाने की क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है। ये बहुत अधिक क्रियाशील भी होते हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इनकी प्राप्ति को अगर हम देखें तो सोडियम हमारे भोज्य पदार्थ का एक मुख्य पार्ट होता है, सोडियम क्लोराइड नमक के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। समुद्री जो लवण होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। कई खनिजों के रूप में भी सोडियम होता है, जैसे बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। इसी प्रकार क्रायोलाइट Na3AlF6। इसी प्रकार जो लिथियम है, लिथियम विभिन्न प्रकार के सिलिकेट के रूप में खनिज के रूप में होता है, इसमें से कुछ उदाहरण हम देखते हैं जैसे स्पोडोमीन जिसका सूत्र है LiAlSiO3 2। पोटेशियम जो है वो फेल्डस्पार के रूप में पाया जाता है, पोटेशियम कार्नेलाइट के रूप में भी पाया जाता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी ये पाया जाता है जैसे KCl, फेल्डस्पार के रूप में पाया जाता है, फेल्डस्पार का फॉर्मूला K2O.Al2O3.6SiO2। इसी प्रकार कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। तो पोटेशियम सोडियम लिथियम विभिन्न प्रकार के खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। रुबीडियम एवं सीजियम दुर्लभ तत्व होते हैं, जबकि फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। फ्रेंशियम
इतना अधिक रेडियो एक्टिव होता है, इसका अर्धायुकाल बहुत ही कम होता है। तो इसका जो एक समस्थानिक है जिसका अर्धायुकाल माना जाता है कि सबसे अधिक है, वह है 21 मिनट का। तो आप सोचिए कि ये कितना अस्थायी तत्व होता है। फ्रेंशियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व होता है। तो इनके कुछ विशेष गुणों को अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जब किसी परमाणु के नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच की दूरी यदि हम रेडियाई के रूप में इसे परिभाषित करें, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षा में घूमते रहते हैं तो इसके नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को नापना असंभव होता है। तो परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए दो क्रमागत परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ली जाती है और उसका आधा किया जाता है और इसे ही हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ ही साथ कोशों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, कोशों की संख्या बढ़ती है, तो नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कार्य करने लगता है। अर्थात नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य तो आकर्षण बल होता है, लेकिन नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच स्थित जो विभिन्न कोश हैं इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल के मान से अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ने लगता है। तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही साथ जो विभिन्न कोश हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में वृद्धि और परमाणु क्रमांक में भी वृद्धि होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कार्य करने लगता है तो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है आकर्षण बल पर, और जो नए कक्षा जुड़ते हैं वो भीतरी कक्षाओं पर परिरक्षण प्रभाव का मान जो है वो एस इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ने लगता है। तो परमाणु त्रिज्या का मान जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखिए इस प्रकार से बढ़ने लगता है। तो लिथियम 152, सोडियम 186, इसी प्रकार पोटेशियम 227 और रुबीडियम 248 और सीजियम 265। तो ये सभी हम पिकोमीटर में काउंट करते हैं और आप देखिए सोडियम से पोटेशियम तक जैसे ही आते हैं तो असाधारण रूप से पोटेशियम का जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो बढ़ रहा है। अब हम जानेंगे आयनिक त्रिज्या का मान। आयनिक त्रिज्या, चूंकि इस परिवार में हमने देखा कि बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आसानी से ये त्याग कर एक संयोजी आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं M से M प्लस का बनना और एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, तो यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालकर एक धनायन में परिवर्तित हो गया। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि नाभिकीय आवेश तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। जब हम सोडियम आयन की बात करते हैं तो उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही होते हैं। सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो उसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम आयन में जो नाभिकीय आवेश है वो बहुत अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो परमाणु और धनायन की तुलना करने पर जो धनायन का आकार है वो परमाणु से छोटा हो जाता है। वैसे भी हम देखेंगे तो यदि आयनों की बात करें, आयनिक त्रिज्या की बात करें, तो परमाणु त्रिज्या की तुलना में जो आयनिक त्रिज्या का मान होगा वो यहाँ पर कम होगा, क्योंकि धनायनों की त्रिज्या हमेशा परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। आयनों की त्रिज्या को भी जब हम काउंट करेंगे तो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बनता है उसके नाभिक एवं बाह्यतम कोश की बीच की दूरी को ही हम आयनिक त्रिज्या के रूप में काउंट करेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। अगला गुण देखेंगे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। किसी भी गैसीय परमाणु से या विलगित परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है
तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये कहलाती है आयनन एंथैल्पी। ये हमने पढ़ा है कई बार, किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा देकर उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वही ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा, या इसे एंथैल्पी के रूप में काउंट करेंगे तो आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चूँकि इस परिवार में हमने देखा कि परमाणु त्रिज्या अधिक होती है इस परिवार की, क्योंकि यह पूरे आवर्त सारणी में जो क्षार धातुएं हैं उसको सबसे पहला वर्ग का स्थान मिला हुआ है। तो जब और इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 है, तो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही ये अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसकी बहुत अधिक होती है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अष्टक बनाने की क्षमता रखते हैं। चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस आवर्त सारणी के परिवार में यदि अध्ययन करें, तुलना करें, तो हम ये पाएंगे कि जो क्षार धातुएं होती है इनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। ये एक संयोजी आयन बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद। इनकी जो इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के रूप में ये नापा जाता है, या फिर किलो जूल प्रति मोल के रूप में इसे नापा जाता है। लेकिन जब हम वर्ग में इसकी तुलना करेंगे, अर्थात जब हम लिथियम से फ्रेंशियम तक जाएंगे, तो चूँकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है और परमाणु आकार में वृद्धि होने के साथ साथ नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ेगी, तो कम ऊर्जा पाकर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान तो बढ़ेगा लेकिन आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। परमाणु त्रिज्या एवं आयनन ऊर्जा में उल्टा संबंध होता है। यदि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच जितना अधिक आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही कठिन कार्य होता है। अधिक ऊर्जा देकर ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। अगला गुण देखेंगे विद्युत धनात्मकता एवं धात्विक लक्षण। ये गुण भी आयनन ऊर्जा से संबंधित ही है। इस परिवार में हमने देखा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है, ये तुरंत अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और M+ बनाते हैं। और जैसे जैसे हम परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं तो चूँकि आकार में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी अधिक होगी, तो ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मक गुण बढ़ेगा। इसी प्रकार जब हम धात्विक लक्षण की बात करें तो धातु क्या होते हैं? धातु ऐसे तत्व कहलाते हैं जिनके बाह्यतम कोश में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3, जिसे वो आसानी से त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस परिवार में हमने देखा कि बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और अष्टक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस परिवार में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो चूँकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगी, तो धात्विक गुण भी बढ़ता है।